अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चरपे की रेसिपी। ये चितरपुर का फेमस चरपा है, इसे बनाना बहुत इजी होता है। ये हम चिकन चरपा बना रहे हैं। तो ये देखिए, काफ़ी टेस्टी एंड यमी चरपा है। इसे आपके घर के सभी लोग पसंद करेंगे, बच्चे भी, बड़े भी और गेस्ट भी। इसे बनाना बहुत ईजी होता है, तो बहुत ही कम सामानों में ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चरपा। चिकन चरपा बनाने के लिए हमने लिए चावल, और इसे रात भर भिगो कर रख दिया था। मैंने 1 kg चावल लिया है, और ये चावल हमारा फूल चुका है। अब हम ग्राइंडर जार में इसे चावल डाल देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, और इसमें डाल देंगे हम एक बड़े साइज का प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया है, और 10 हरी मिर्ची उसे डाल देंगे हम इसमें। और इसे कवर करके हम ग्राइंडर जार में स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमारा चावल का स्मूथ पेस्ट इस तरीके से तैयार हो गया है, और अब हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और इधर हमने लिया है चिकन 1/2 kg, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन के पीसेस को हम चावल के स्मूथ बैटर में ऐड कर देंगे। और हमने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने लिया इसमें कुछ मसाले। 1 teaspoon लिया मैंने जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon लिया मैंने काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon लिया मैंने चिली फ्लेक्स, एंड 1 teaspoon लिया मैंने सॉल्ट। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम चॉप किए हुए कोरिएंडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है पैन। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ऑयल डाल देंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, और पैन को इस तरीके से फैला लेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे। हमें इसका लेयर मोटा ही बनाना है, इसलिए मोटे तरीके से फैला रहे हैं। अब इसमें नहीं डालना है, बस हम इसको फैला लेंगे। और अब हम पैन को कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। तो 5 मिनट्स के बाद हम लीड हटा लेंगे, और ये इसे पलटी कर देंगे। बहुत सेफ्टी के साथ हमें पलटी करना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और फिर हम इसे ढक करके 5 मिनट और पका लेंगे। तो 5 मिनट्स हो चुका है, तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हमारी पक गई है। तो हमारा चरपा रेडी हो चुका है। तो ये हमारा दूसरा भी चरपा तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा चरपा रेडी हो चुका है। ये हमने 2 चरपे को रखा है, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी है। आप भी बनाएं, और इसे आप सब लोग पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी होता है, ये कम सामानों में बन जाता है। तो फ्रेंड, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।